तो उसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। और सबका अपना अपना महत्व इसमें इसमें न जाने सदियों से किस प्रकार के लोग आए, क्या है क्या, और आज भी एक बात जो हुआ है वो मतलब है कि जैसे आज भी हमारे देश की जो संस्कृति है ना, जिसको मैंने कहा कि हिमालय से लेकर के विचारों ने माने वहां के लोगों का संबंध सीधे हिमालय से, हिमालय का संबंध सागर से है, तो ये बनी रहे आगे भी, इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी सतत चलने चाहिए, जो राष्ट्रीय धारा है वो बनी रहे। आपको इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार की घोषणा की गई है, क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की सदा सहायता है जिन्होंने मुझे इस बारे में चयन किया, इसके लिए उनका शुक्रिया तो है ही, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जो दूसरा अपने कहा ना, हिमालय से लेकर के सह्याद्री तक, उससे आगे हिंद महासागर के छोर तक, दूसरी और राजस्थान से लेकर के दंडकारण्य और फिर बंगाल की खाड़ी तक, इस देश को विचारों ने, विचार जनित मान्यताओं ने अभिन्न रूप से जोड़ करके रखा है, और वो बना रहे जो एकता है, माने जैसे शंकराचार्य जी ने चार मठों की स्थापना की देश को, तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम सदियों पहले से ये जो पूरे देश को जोड़ करके रखा है, तो वो आगे, इसके लिए जैसे हम लोगों ने पहले तो हिमालय को समझने का प्रयास किया, हिमालय की नदियों को समझने का प्रयास किया, हिमालय के लोगों को समझने का प्रयास किया, उनके जो अंतर समझ, फिर उसके बाद जो हमारे अन्य माने जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंद्रस है, ये तो हिमालय से निकल, इसी प्रकार गोदावरी है, तुंगभद्रा है, तो हमने अलग अलग इलाकों में जाकर के उन लोगों की समस्याओं को समझने का, उनकी तकलीफों को समझने का प्रयास किया। तो पहली बात तो यही है कि हमारी समझ होनी चाहिए अलग अलग क्षेत्र में। राष्ट्र को और पूरे विश्व को क्या संदेश देती है हिमालय का जो संबंध है, समझ लीजिए हिमालय तो जहां तक जैसे हमारे यहाँ कालिदास ने कहा था कि अस्तुत श्याम देश देवता हिमालय नमन, हिमालय तो पूरी उन्होंने कहा है कि ये पृथ्वी का मेरुदंड है, माने जैसे रीढ़ की हड्डी है, तो हिमालय हमारे इस मुख्य रूप से भारत और भारतीय महाद्वीप और दक्षिणी एशिया के लिए तो मिट्टी जल और वनस्पति का जनक तो है ही, मौसम का भी नियंत्रक है, तो हिमालय केवल सुंदर और प्राकृतिकता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी वो प्रभावित करता है, हमारा माने न केवल हिमालय का बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का और भारतीय महाद्वीप का, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि देश के नियोजन का केंद्र बिंदु हिमालय का संरक्षण होना चाहिए, बस वही।